Hello students, how are you? I am back with my next video for class 5th. तो बच्चों मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन करना चाहती हूँ. जिसने पहले की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है वो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं दोबारा. उसमें सारा चैप्टर आपको बताया गया है जितना अभी तक पढ़ाया गया है. तो अब मैं इस वीडियो में आपको आगे का चैप्टर बताने जा रही हूँ. एक शॉर्ट सी समरी में आपको बता देती हूँ कि ये कहानी एक बिल्ली की है जिससे पपाया यानी कि पपीता बहुत पसंद था. तो बच्चे भी उसका नाम पपाया ही रख देते हैं. साथ ही साथ वो एक ट्रैवलिंग कैट भी है यानी कि यात्रा करने वाली बिल्ली. उसे यात्रा करना बहुत पसंद था. तो वो नीरा और नायरन के साथ कश्मीर तक जाती है एक बास्केट में बैठ के. अब देखते हैं आगे क्या होता है जब वो लोग शिकारा देख चुके होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कुशन्स और कर्टन्स वगैरह से सजे हुए थे. दोज आर शिकारास लिटिल वाटर टैक्सीज सेड फादर. कहते वो शिकारा है वो एक छोटी छोटी टैक्सीज हैं. वाओ देयर इज वन गोइंग फुल ऑफ फ्लावर्स सेड नायरन एंड देयर गोज विद वेजिटेबल एडेड नायरा. ओ विच इज आवर हाउस बोट आस्क नायरा इम्पेशेंटली. कहते वाओ वो देखो वो ऐसा शिकारा है जो फूलों से भरा हुआ है नायरन ने कहा. इतने में नीरा ने कहा एक शिकारा सब्जियों से भरा हुआ है. तो नीरा ने उत्सुकता से पूछा हमारा वाला हाउस बोट कौन सा है पापा. सी इफ़ यू कैन स्पॉट द स्टार ऑफ कश्मीर रिप्लाइड मदर. मदर ने उत्तर दिया देखो अगर क्या तुम ढूंढ सकते हो द स्टार ऑफ कश्मीर. तो उनके बोट हाउस बोट का नाम क्या था द स्टार ऑफ कश्मीर. That one, the pink one with the pink curtains and one with flower pots, Naira said, pointing to a large houseboat in front of them. कहते जिसमें गुलाबी रंग के पर्दे लगे हुए हैं फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और एक बड़े से हाउस बोट की तरफ इशारा करते हुए उसने बताया. My goodness, look at the water lilies, mother. Have you ever seen such enormous lilies? Nairan said, surprised. कहते हे भगवान कितने बड़े वाटर लिलीज देखो कितनी बड़ी बड़ी लिलीज है. क्या आपने कभी ऐसी इतने बड़ी वाटर लिलीज के फूल देखे हैं. नायरन ने सरप्राइज में कहा. दे वर हैविंग फन ऑल बाय देमसेल्फ एंड पुअर पपाया वाज नॉट अलाउड टू पी. अब वो लोग खुद ही मज़े लिए जा रहे थे इंजॉय करे जा रहे थे और उन लोगों ने बिल्कुल भी बिल्ली के बारे में नहीं सोचा. As so soon as the lid of basket was opened, papaya sprang out with an angry meow. तो जैसे ही उन लोगों ने टोकरी का ढक्कन खोला तो एकदम से बिल्ली जो थी गुस्से में म्याऊ करती हुई बाहर कूद पड़ी. She's all right, Naira cried.